गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ बायोलॉजी सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। डायग्राम मैंने बना के रखा है ताकि जो है आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊँ। तो जैसे आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर टिश्यू। ठीक है, आपको पता है प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू है, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। तो एनिमल टिश्यू हमने जो है, ये प्लांट टिश्यू जो है हमने कंप्लीट किया है पहले ही। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, डिटेल में लिखवाया है, तो थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कहाँ पहुँचे हम। ये है एनिमल टिश्यू का आपके पास क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये एनिमल टिश्यू का, एक मिनट, ये क्लासिफिकेशन है डिटेल में। ठीक है, ये है एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तो एनिमल टिश्यू में जो है, जैसे आपको पता है, मेनली चार टाइप्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, मेनली चार हिस्सों में डिवाइड किया है एनिमल टिश्यू को। तो हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स हैं? चार। ठीक है, मेनली पाँच हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉलमनर का और एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हम ग्लैंडुलर जो है एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, कोई मसला नहीं है, वो अगर नहीं भी लिखेंगे आप तो कोई जो है बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, वो मेनली चार हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है, हम एपिथेलियल जो है वो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके दो टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, सुकेमस और क्यूबॉइडल, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो है चेक करना, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास नाइन बायोलॉजी का सेक्शन अलग से, तो बायोलॉजी के आपको उसमें जो है इजीली इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो सुकेमस और क्यूबॉइडल या एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ाया है वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो आज हम उसके बाद जो है, आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के फर्दर टाइप्स। तो आज हमने ये तो ख़त्म किया है सुकेमस और क्यूबॉइडल, आज हम पढ़ेंगे कॉलमनर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको ये डायग्राम बना के रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर हम कॉलमनर एपिथेलियल की बात करेंगे तो इसका हम देखेंगे पहले नेचर क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया नेचर क्या होता है। नेचर होता है कि हमें ये दिखने में कैसा लगता है। ठीक है, इसका नेचर हम देखेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ सेल्स। इसके सेल जो होते हैं विच आर टॉलर देन ब्रॉड। ठीक है, इसके सेल्स जो है वो टॉलर हैं, ब्रॉड नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ब्रॉड से ज़्यादा ये टॉलर हैं। ये देखो आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल खंभे की तरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आपको पिलर लाइक। ठीक है, पिलर लाइक दिख रहे हैं आपको। ठीक है, दे न्यूक्लियाई आर टूवर्ड्स द बेस, टूवर्ड्स द बेस। ठीक है, ये इनके बारे में है नेचर। ठीक है, तो नेचर क्लियर हुआ। नेचर पहले मैं ये इनका डिटेल लिखूंगा, ऑकरेंस भी लिखूंगा ताकि आपको सब बात में समझा दूंगा। ऑकरेंस, ऑकरेंस बोलते हैं कहां पे पाया जाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ठीक है, उसमें पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट ऑल्सो फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लेडर। लाइनिंग ऑफ, ऐसे लिखूंगा मैं, लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लेडर। तो यहां पे पाया जाता है। लास्ट में इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट इज मेन फंक्शन जो है इसका,
एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, जैसे आपका स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, एंड सिक्रेशन, सिक्रेट करना, ठीक है, जिससे म्यूकस सिक्रेटेड बाय कौन करता है, गोब्लेट सेल्स, जो हमारे स्टोमक के लाइनिंग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया कौन सा, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब ठीक है, देखो देखो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, क्या होता है, नेचर नेचर बोलते हैं कि इनके मतलब जो है सेल्स का शेप क्या है, ठीक है, कैसा दिखता है, तो उसको बोलते हैं नेचर। देखो इसके सेल्स जो होते हैं वो टॉल हैं, ठीक है, टॉल हैं, ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड से ज़्यादा टॉल हैं, लंबे हैं, आपको दिख रहे हैं बिल्कुल खंभे की तरह दिख रहे हैं, पिलर लाइक, पिलर जैसे हैं, ठीक है। द न्यूक्लियाई आर टूवर्ड्स द बेस, न्यूक्लियाई क्यों कहा, न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म को न्यूक्लियाई बोलते हैं, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, ये देखो, ठीक है, तो न्यूक्लियाई आर टूवर्ड्स द बेस, इसका न्यूक्लियस जो होते हैं वो बेस की तरह है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस नीचे है, बीच में नहीं है, ऊपर नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस बेस की तरह है, इसका न्यूक्लियस जो है वो बेस में है, ठीक है। ये तो हो गया इसका नेचर। ऑकरेंस कहाँ पे पाए जाते हैं, सिटोमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो गाल ब्लेडर, ठीक है, उनकी लाइनिंग में पाया जाता है ये वाले सेल्स, यानी कॉलमनर। फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और क्या करना, सिक्रेशन करना, जैसे एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जैसे हम जो खाना खाते हैं वो लास्ट में वहीं से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं ये, ठीक है, जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है, वहीं से ही एब्जॉर्ब होता है, जज्ब हो जाता है। सिक्रेशन यानी ये सिक्रेट करता है, जैसे हमारे स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक के लाइनिंग पे हमारा क्या होता है, म्यूकस होता है, ये गोब्लेट सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे लाइनिंग में, तो वो गोब्लेट सेल्स क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस, तो आपको तो जैसे पता है म्यूकस का काम क्या है स्टोमक में, जैसे हमारा HCl है, ठीक है, HCl जो है वो एसिडिक नेचर है, ठीक है, तो एसिडिक नेचर है, तो एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हमारे पास हमारा स्टोमक जो है वो म्यूकस रिलीज करता है, ताकि वो जो है HCl जो है हमारे स्टोमक की लाइनिंग को ख़राब, स्टोमक में जो है उसकी वजह से जो है हमारी लाइनिंग में लाइनिंग को ख़राब ना करे स्टोमक की, ठीक है, तो हमारे स्टोमक बच जाता है उससे, ठीक है, HCl के एक्शन से हमारा स्टोमक बच जाता है, तो बचाने का काम करता है कौन, ये हमारा म्यूकस, तो ये म्यूकस सिक्रेट करने वाले सेल को बोलते हैं गोब्लेट सेल्स, जो हमारे स्टोमक में होते हैं। तो ये हुआ इनका ये, ठीक है, ये डायग्राम, तो ये डायग्राम आपको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका एक जो है मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, किसका, कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यू का, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ग्लैंडुलर एपिथीलियम या ग्लैंडुलर एपिथीलियल टिश्यू, जो भी आप कह सकते हैं। अगर हम देखेंगे ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू ये क्या है, ये इसी का है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे लेकिन बोलना आपको ज़रूरी है, द कॉलमनर एपिथीलियम मॉडिफाइड, इसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है, मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स, ठीक है, वी सीक्रेट केमिकल्स, इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये क्लास 10 में भी आपको वी सीक्रेट केमिकल्स,
जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, कॉलमनर का। कॉलमनर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया है जिसकी वजह से आपका बन गया ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू या ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको बताया कॉलमनर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया तो इससे बन गया आपका ग्लैंड्स। जब ग्लैंड्स बन गया इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्लैंडुलर एपिथीलियम। अब ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड वो होता है जो क्या सिक्रीट करते हैं हमारे बॉडी में। ग्लैंड जो है इनसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो केमिकल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड जो होता है वो हमारे बॉडी में सिक्रीट क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट केमिकल्स, जिसे यहाँ पे लिखा है ना सिक्रीट केमिकल, ये केमिकल सिक्रीट करते हैं। ये केमिकल दो फॉर्म में होता है, एक होता है आपके हार्मोन्स, या हार्मोन सिक्रीट करते हैं या सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। गौर से सुनना, या हार्मोन सिक्रीट करते हैं या एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अगर ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं ना तो इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अगर क्या सिक्रीट करेंगे, अगर हार्मोन सिक्रीट करेंगे तो एंडोक्राइन। ठीक है, अगर ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। समझ गए? तो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सिक्रीट करते हैं क्या? दे सिक्रीट केमिकल्स। ये केमिकल दो तरह के होते हैं, या हार्मोन हो सकते हैं या एंजाइम्स। इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मैंने आपको बताया हार्मोन सिक्रीट करने वाले को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं और एंजाइम सिक्रीट करने वाले को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, जैसे बहुत सारे हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो एक मैं आपको बताऊंगा, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आपका टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस भी आपका एक जो है वो, ये क्या कहते हैं, आपका एक एंडोक्राइन है। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे आपको पता है टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, आपको पता है। टेस्टिस जो होती हैं वो हमारे मेल में होती हैं टेस्टिस, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन किसका नाम पड़ गया? हार्मोन का नाम पड़ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे ये क्या कहते हैं, बहुत सारे जैसे पिस्ट्री ग्लैंड है हमारा है, ठीक है, जैसे हमारा ये क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे हार्मोन हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, जैसे हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक है, एंजाइम, जैसे मैं आपको कहूँगा ये एंजाइम रिलीज करती हैं, जैसे मैं आपको कहूँगा एक सिंपल एग्जांपल, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये हमारा जो है ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये क्या सिक्रीट करता है? एंजाइम। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? ये करता है सलाइवा, करता है ना, हमारा जो थूक जो है वो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी एंजाइम। ठीक है, तो जैसे आपको पता है इसमें हमारा जो है वो ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो कौन सा एंजाइम होता है इसमें? जैसे आपको पता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेस बोलते हैं। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेस, या टाइलिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बोल एंजाइम के अलग अलग नाम है। तो क्लियर हुआ ग्लैंड क्या हुआ? ग्लैंडुलर एपिथीलियम क्लियर हुआ होगा। ग्लैंडुलर एपिथीलियम किसको बोलते हैं? हमारा कॉलमनर एपिथीलियल टिश्यू में थोड़ा सा क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन। उस मॉडिफिकेशन की वजह से
जो है ये क्या बन गए, ग्लैंड्स बन गए। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं ऐसे सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो सिक्रीट करते हैं केमिकल्स। केमिकल्स दो फॉर्म में होते हैं, ठीक है ठीक है। ग्लैंड सिक्रीट करते हैं केमिकल्स, अगर हार्मोन रिलीज करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अगर एंजाइम रिलीज करेंगे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया टेस्टिस, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। जैसे सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सिक्रीट करती हैं सलाइवा। सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम का नाम है, ठीक है। तो और एक भी एग्जांपल है, और एक भी एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो ड्यूअल इन नेचर होते हैं, ड्यूअल इन नेचर, ये आप समझ गए होंगे। ड्यूअल इन नेचर का मतलब होता है जो दोनों रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे ड्यूअल सिम नहीं होता है मोबाइल में, तो आप दो सिम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी होते हैं ड्यूअल, ये क्या करते हैं, रिलीज बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, दोनों रिलीज करते हैं हार्मोन भी और, ठीक है, ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं और एंजाइम। जैसा इसमें एग्जांपल अगर हम लेंगे तो पेनक्रियास की, ठीक है, पेनक्रियास। तो हेटरोक्राइन किसको बोलते हैं, हेटरोक्राइन वो होते हैं जो दोनों रिलीज करते हैं, एज वेल एज हार्मोन भी रिलीज करते हैं और एंजाइम। तो पेनक्रियास हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे आपका, ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे आपका सीलिएटेड एपिथेलियम, ये पांचवा है, ये लास्ट है, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। पहले इसके बारे में लिखेंगे, नेचर के बारे में। कॉलमनर सेल्स हैव ए फ्री बॉर्डर, विच बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक outgrowths, call it cilia, ठीक है, occurrence। दोस्तों आपको पता है कहाँ पे ये पाया जाते हैं, found in sperm duct, ठीक है, ट्रेकिया, इन पाइप जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, जो किसमें होते हैं हमारे लंग्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये इन जगहों में पाए जाते हैं और लास्ट में इसका फंक्शन। The rhythmic beating of cilia moves solid particles या liquid भी जो भी है, ठीक है, mucus in one direction
through the duct. Through the duct. ठीक है. तो आइए आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, गौर से सुनना आप. ठीक है, कौन सा ये सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू या सीलिएटेड एपिथीलियल टिश्यू. सीलिएटेड किसको बोलते हैं, सीलिएटेड ये भी देखो आपका बिल्कुल कॉलमनर सेल जैसा है, बिल्कुल लंबा है. ठीक है, लेकिन इस और इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म है और इसमें आपके यहाँ पे साइटोप्लाज्म का आउट ग्रोथ हो गया है, यहाँ पे ग्रोथ होगी तो इस ग्रोथ को हम बोलेंगे सीलिया. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं, ये जो है ये साइटोप्लाज्मिक आउट ग्रोथ है, एक धागे जैसे निकल गए हैं थ्रेड जैसे, इसी को हम बोलते हैं सीलिया. ठीक है, यही लिखा है कॉलमनर सेल्स हैव अ फ्री बॉर्डर विच बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउट ग्रोथ कॉल इट सीलिया. तो सीलिया क्या है, ये एक आउट ग्रोथ है साइटोप्लाज्म का, तो वहाँ से जो है आपका थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल गए जिसको हम बोलते हैं सीलिया. कहाँ पे पाए जाते हैं, ये स्पर्म डक्ट जो स्पर्म को ले जाती है. डक्ट क्या होती है, डक्ट मैं आपको बताऊंगा. डक्ट कहेंगे आप जैसे आपके घरों से गंदा पानी निकलता है ना, जो आपका सीवेज होता है. ठीक है, गंदा पानी जो घरों से निकलता है तो वो एक किसके ज़रिए जाता है, प्रॉपर एक चैनल के ज़रिए जाता है, प्रॉपर एक पाइप के ज़रिए जाता है. ठीक है, तो उस पाइप को आप बोलेंगे जिसके थ्रू चलता है. ठीक है, इसको बोलेंगे डक्ट. क्या बोलेंगे, डक्ट. तो समझ गए, डक्ट हो गई एक नाली जहाँ से जा रहा है. ठीक है, तो जैसे हमारा स्पर्म है. ठीक है, जब हमारे ये टेस्टिस जो है उसको बना के क्या करती हैं, टेस्टिस जो है रिलीज करती हैं, तो रिलीज किससे करेंगी, एक डक्ट से, प्रॉपर एक डक्ट से रिलीज होता है. ठीक है, इसी डक्ट से जाएगा, एक ओपनिंग आप कह सकते हैं, तो इसीलिए स्पर्म डक्ट बोलते हैं, जहाँ से स्पर्म आपके चले जाएंगे, इसको स्पर्म डक्ट. ठीक है, जैसे आपके घरों में पाइप नहीं है, ड्रेनेज पाइप नहीं है. ठीक है, तो उस पाइप के जरिए आपका पानी बाहर जाता है. ठीक है, तो डक्ट वहीं वैसा जैसा हो गया, एक नाली आप कह सकते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से एक रास्ता हो वहाँ से जाएं. ठीक है, डक्ट समझ गए ना आप. तो स्पर्म डक्ट जैसे आपका ट्रेकिया है, जहाँ से आपका विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपका ब्रोंका है, लंग्स, ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स एटसेट्रा, तो वहाँ पे पाए जाते हैं. तो इसका मेन फंक्शन क्या है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स या आपका लिक्विड पार्टिकल्स हो उसको क्या करते हैं, उसको रेदमिक बीटिंग, ये ऐसे हो रहे हैं, बीटिंग का मतलब होता है ये ऐसे बीट हो रहे हैं. ठीक है, रेदमिक ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बीटिंग उसको बोलते हैं. तो जिसकी वजह से आपके जो भी सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो ताकि एक डायरेक्शन में चला जाए. एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ये है सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्ट है यहाँ पे कुछ. अब आपको क्या करना है, इसको जो है इस डर्ट के ज़रिए जो है आपको इसको लेना है. तो क्या करेंगे आप झाड़ू से क्या करेंगे, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं या यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ से यहाँ की ओर लाएंगे, यहाँ से यहाँ की ओर लाएंगे, लाएंगे कि नहीं. तो आप क्या कर रहे हैं, झाड़ू से उनको ऐसे और ऐसे ये कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह ये सीलिया भी क्या करता है, सीलिया भी यहाँ से यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उनको इस डायरेक्शन में लाएगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनको इस डायरेक्शन में लाएगा, ताकि वो जो है एक डक्ट से जो है वो चले जाएंगे. ठीक है, समझ गए. तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनको इस साइड लाएंगे, यहाँ से जो है जैसे आप झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो झाड़ू में भी क्या होता है, झाड़ू में भी आपकी आउट ग्रोथ होती है. ठीक है, जैसे उसमें वो लंबी लंबी घास होती है. ठीक है, वो सीलिया का काम करते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो जो है यहाँ से जो भी पार्टिकल्स हैं उनको इस साइड लाएंगे, इससे पार्टिकल्स ताकि वो इस डक से चले जाएं. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे गंदा पानी जो है वो जमा हुआ है इस साइड या इस साइड, तो आप क्या करेंगे, यहाँ के पानी को इस साइड लाएंगे, यहाँ के पानी को इस साइड, ताकि यहाँ से चला जाए. तो इसी को बोला जाता है, यहाँ लिखा है देखो, दरअसल में बेटिंग ऑफ सलाइवा मूव सॉलिड पार्टिकल्स एग्जाम्पल म्यूकस इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट, ताकि जो है म्यूकस या आपके जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक पार्टिकुलर डक्ट से चला जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये सीलिया क्या हो रहा है, ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे जो है ऐसे मूवमेंट कर रहा है. ठीक है, तो इसीलिए ये इसमें मदद कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ख़त्म किया आपका कौन सा, ये वाला पार्ट. तो यहाँ पे एनिमल टिश्यू में हमने एपिथीलियल के पूरे टाइप्स पढ़े, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ये मैंने कल पढ़ाया था. आज हमने कॉलमनर
कॉलमनर का मॉडिफाइड फॉर्म भी पढ़ाया, ग्लैंडुलर एपिथीलियम और सीलिएटेड। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी आपका स्टडी मटेरियल जो है मैं आपको PDF के फॉर्म में आपके ग्रुप में भेज दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।